अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ रशीद। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स में, तो आप देखिए मैं लिख रहा हूँ। चलें, आपका पहला वर्ड है, आपने देखा होगा वैन, ठीक है, वैन। और वैन के अलावा दूसरा जो वर्ड है वो है वेयर, और उसके बाद तीसरा जो वर्ड है वो है आपका वाट। क्या? वाट। और उसके अलावा चौथा है हु, और चार हो गए। पांचवा वर्ड जो है आपका है वो है भाईजान आपका हाउ। तो ये वर्ड तो आपने सारे देखे हैं, लेकिन इनके अलावा जो हम इनको डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करते हैं एवर डाल के, वो काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता। तो आज हम पढ़ेंगे जैसे वेन का वेन एवर, आपने मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँगा, वाट एवर इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, हूएवर इसका भी बताऊंगा, और हाउएवर और वेयर एवर, ये बड़े इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं। इनको इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी स्टूडेंट्स को होती हैं, लेकिन कोई इशू नहीं। आज हम ट्राई करेंगे, सीखेंगे कि इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलें, मैं पहला सेंटेंस बनाता हूँ। वाट एवर ही सेज़ इट इज़ राइट, वो जो भी कहता है ये सही है, वो जो भी कहता है ये सही है। वाट एवर को हम इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा दूसरा है वेयर एवर ही गोज़ ही ऑलवेज़ कंप्लेंट्स। अब वेयर एवर का है, कहाँ भी जाता है, जहाँ भी जाता है वो हमेशा कंप्लेन करता है, ये वेयर एवर का सेंस देता है। और उसके अलावा दूसरा है हु एवर कम्स टू हिम ही ऑलवेज़ ऑफर्स अ कप ऑफ टी, जो भी उसके पास आता है उसको ये हमेशा चाय पिलाता है। क्या? हमेशा उसको चाय पिलाता है जो भी इसके पास आता है। और इसके अलावा मैं आपको एक और सेंटेंस बता रहा हूँ। ये तीनों सेंटेंस आप देखें, बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, और इनको ट्राई करें, इनको समझें। अब आसान भी हैं, वाट एवर वेयर एवर हु एवर। तो वाट एवर वेयर एवर हु एवर कामनली इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता। उसके अलावा रिच हाउ एवर का सेंस है। तो हाउ एवर रिच यू आर यू डोंट हेल्प द पुअर, आप कितने भी अमीर हों लेकिन आप गरीबों की मदद नहीं करते, कितने भी आप अमीर हो। तो हाउएवर का ये भी सेंस होता है। दूसरा हाउएवर का इंस्टेड ऑफ हम इस्तेमाल करते हैं, के बावजूद भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंस हम इसको समझ रहे हैं कि हाउएवर कितने भी तुम। तो कीप दीज वर्ड्स इन योर माइंड एंड यूज़ देम अकॉर्डिंगली, कोशिश करें कि इनको इसी स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करें। मतलब इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, वन बाय वन अगर आप इनको ट्राई करेंगे तो आ जाएगा। तो हमने सीखा वेन एवर ही कम्स टू मी आफर हिम अ कप ऑफ टी, ये उसी का स्ट्रक्चर है, वो जब भी आता है हम चाय उसको पिलाता हूँ मैं। नाउ लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन हु एवर एंड वुच एवर, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं ट्राई करूँगा आपको समझाऊँ। तो हु एवर डिनोट्स एनी ह्यूमन बींग टू बी यूज, तो हु एवर में हम किसी भी इंसान के बारे में शेयर करते हैं, और वुच एवर को जब हम डिनोट्स करते हैं वो नॉन लिविंग चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं। हूएवर इंसान के लिए इस्तेमाल होता है, और वुच एवर बेजान के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आज का स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको ज़हन में रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।